नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Redmi Note 8 Pro, जो कि एक इंडियन रिटेल यूनिट है, फर्स्ट इंप्रेशन के पर्सपेक्टिव से एक डिटेल रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, और इसमें लगाएंगे Realme XT का तड़का। आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि आपको इस डिवाइस के लिए आगे बढ़ना है या फिर इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट और बैक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रेस। पहली सिम ट्रे में आप सिम कार्ड डाल सकते हैं और दूसरी में सिम कार्ड और एसडी कार्ड भी। आपको ये फोन IP52 रेटिंग के साथ मिलता है, इसलिए सिम ट्रे के अराउंड आपको रबर वॉशर मिलेगी ताकि पानी ना जाए। राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर दिया जाता है। टॉप में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एयर ब्लास्टर और राइट साइड में नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा मिलती है। बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल, नॉइस कैंसिलेशन, फॉलोड बाय टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और द गुड ओल्ड हेडफोन जैक। बैक साइड पे आपको मिलता है क्वाड कैमरा का सेटअप, फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्लैश। जहां तक कैमरास का सवाल है, आपको 64 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस वाला कैमरा दिया जाता है। उसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा जिससे आप वीडियो भी बना सकते हैं और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाता है। फ्रंट में मिलता है आपको 20 मेगापिक्सल का AI कैमरा और नोटिफिकेशन लाइट। जो नोटिफिकेशन लाइट है उसकी अलाइनमेंट मुझे थोड़ी ऑड लगी, आइए देखते हैं। देर इज अ डिसेंट कैमरा बम फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ विच आपका फोन टेबल पे वॉबल करेगा, स्पेसिफिकली जब आप टॉप लेफ्ट या राइट साइड से उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। आइए चेक करते हैं कि साथ में दिया गया कवर कितना बढ़िया है। ये ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं कि बैक साइड में कोई कैमरा बम्प नहीं, इट मीन्स कैमरा मॉड्यूल स्टिल कैन टच द फ्लोर। एयर पॉकेट्स भी नहीं है। अच्छी चीज ये कि आपको पोर्ट क्लोजर दिया गया है टाइप सी पोर्ट के लिए। इट वॉज फेयरली इजी टू पुट दिस ऑन फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं आई। स्क्रीन प्रोटेक्शन काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं कॉर्नर्स पे, विच इज गुड। ये थोड़ा सा क्लोज नहीं हो रहा था। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो ये कि कैमरा बम बिल्कुल नहीं है, इट मीन्स आपका कैमरा मॉड्यूल प्रोटेक्टेड नहीं है इस कवर के साथ। सो टू थिंग्स, वन, टेम्पर्ड ग्लास एंड अ कैमरा प्रोटेक्टर प्लस अ गुड केस इज अ मस्ट विद Redmi Note 8 Pro। देख सकते हैं कि वॉबल पहले से कुछ कम है। जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइस में हेफ्ट था, इसका वेट लगभग 200 ग्राम के आसपास आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई प्री अप्लाइड टेम्पर शीट नहीं मिलती, आई थिंक Xiaomi को ये देना चाहिए। डिवाइस को सेटअप कर लेते हैं और चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। हैप्टिक फीडबैक दोस्तों मुझे बहुत डिसेंट लगा। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट कैमरा सेटअप करेंगे आपको एहसास होगा, इट वॉज रियली गुड। और इस ऑप्शन को ऑफ कर दीजिएगा अगर आप ऐड से थोड़ा बहुत छुटकारा चाहते हैं। इसमें आपको मिलता है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल और ये स्क्रीन साइज है 6.53 इंचेस का। अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि साइड बॉर्डर्स थिन है, चिन थोड़ी सी है, बट आई थिंक इट्स रियली नाइस। ओवरऑल पैनल बहुत पंची है। फॉर अ सेकेंड आई डिडंट रियलाइज कि ये एमोलेड नहीं है। यस, डेफिनेटली डिफरेंस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल हमने फुल ब्राइटनेस पे इसे रखा है और आप देख सकते हैं कि व्यूइंग एंगल कितने बढ़िया हैं। फ्रॉम पैनल्स पर्सपेक्टिव यू विल डेफिनेटली गोना लाइक इट फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि आपको आउटडोर विजिबिलिटी स्पेसिफिकली डायरेक्ट सनलाइट में बहुत बढ़िया मिलती है। लेकिन अगर आप एमोलेड पैनल पसंद करते हैं तो
हमने इसे कंपेयर किया रियलमी XT के साथ, जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कितना डिफरेंट है। हमने ब्राइटनेस फुल पे रखी, हाउएवर जब हमने 4K रिकॉर्डिंग देखी अभी थोड़ी देर पहले, तो हमें ब्लैक अच्छे लगे। सो ऑल एंड ऑल आपको बहुत पसंद आने वाला है पैनल। यस, हो सकता है अगर आपने ऑल ब्लैक वॉलपेपर लगाया है तो आपको वो डिफरेंस नज़र आया, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल में। अभी मैंने ब्राइटनेस थोड़ी सी डिम की है तो आप देख सकते हैं, लेकिन एमोलेड इज एमोलेड, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आपको Redmi Note 8 Pro में मिलता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ये 2.05 GHz पे क्लॉक्ड है। आपको MIUI 10 मिलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा एंड्रॉयड पाई। आपको आउट ऑफ द बॉक्स 115 GB स्पेस मिल जाएगी अगर आप 128 GB का वेरिएंट लेते हैं। एंटूटू स्कोर की बात करें तो हमें मिला 284,330, जो कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से एक्सीलेंट है। आइए नजर डालते हैं एक बारी हार्डवेयर आर्किटेक्ट पे। आप देख सकते हैं प्रोसेसर, कोर्स, रैम, पिक्सल, स्पेस एटसेट्रा। बैटरी दी जाती है 4500 mAh की, और अगर हम सेंसर्स की बात करें तो वो सभी दिए गए हैं। आपको मिलता है वाइड L1 का सर्टिफिकेशन, जो कि हम आगे टेस्ट करेंगे डिटेल रिव्यू में। कैमरा टू API इनेबल्ड है, लेकिन ये मीडियाटेक प्रोसेसर है दोस्तों, सो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे GCam कब आएगा, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। और अगर हम बात करें रीड एंड राइट स्पीड की, तो वो भी अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं कि मेमोरी में कोई ऐप नहीं है। लेफ्ट में है Realme XT और राइट में है Redmi Note 8 Pro। Realme XT में मिलता है हमें Snapdragon 712। चलिए हम Real Racing 3 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन उसे पहले लोड करता है। दोनों ऐप एक ही टाइम पे क्लिक हो गई और मैं देख सकता हूँ कि Realme XT ने लीड बना ली है। हालांकि ऐप ओपनिंग Redmi Note 8 Pro पे पहले शुरू हुई थी। आप कलर डिफरेंस भी देख सकते हैं, और फिलहाल Realme XT wins this round। जी दोस्तों, MediaTek G90T एक पावरफुल चिप है, और अगर हम एंटूटू स्कोर्स देखें तो 55,000 से ज़्यादा का डिफरेंस है दोनों में। हाउएवर ऐप पहले Realme XT पे लोड हुई। लेट्स सी कि कुछ और अपडेट्स के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है या नहीं Redmi Note 8 Pro में। आइए देखते हैं ये गेम प्ले। इसके लिए आपको फिंगर प्लेसमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एनीवेज, वॉल्यूम फुल पे है और आप सुन सकते हैं कि आवाज काफी लाउड है, और फुल वॉल्यूम पे डिस्टॉर्शन नहीं है। और जहां तक गेम प्ले का सवाल है, वरी नॉट दोस्तों, आपका भाई जरूर जीतेगा अराउंड। अब हम करने जा रहे हैं 15 मिनट एंड ओवर एंड अबव पबजी का गेम प्ले। गेम प्ले से पहले हमने टेम्परेचर रीडिंग्स ली और बैटरी भी चेक करी, इनफैक्ट बैटरी का टेम्परेचर भी। फ्रंट में मैक्सिमम टेम्परेचर था 31.3 डिग्री सेल्सियस, और रियर पैनल पे हमें मिला 32.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बैटरी की बात करें तो 27% बैटरी थी और बैटरी का टेम्परेचर था 31.7। आइए देखिए गेम प्ले और डिसाइड कीजिए कि कैसी थी परफॉर्मेंस।
सो दोस्तों इसी के साथ हमारा PUBG का गेम प्ले खत्म होता है। आपने साउंड सेटिंग देखी, ब्राइटनेस सेटिंग देखी, गेम प्ले की झलकियाँ देखी। अगर हम फ़ोन के थर्मल मैनेजमेंट की बात करें एंड बैटरी कंजम्पशन की बात करें, फिलहाल फ्रंट साइड पे आपको टेम्परेचर मिलेगा 39.5 डिग्री सेल्सियस जो कि मैक्सिमम रीडिंग हमने नोट करी, और रियर में आपको मिलेगा 41.2 डिग्री सेल्सियस जो कि मैक्सिमम था। अगर मैं बैटरी की बात करूँ, हम आपको वो भी दिखाएंगे अभी CPU-Z में जो हमारी ऐप है, कि बैटरी 5% यूज़ हुई और बैटरी का टेम्परेचर बढ़ के 40.9 डिग्री हो गया। थर्मल मैनेजमेंट अच्छी है, फ़ोन का टेम्परेचर नीचे भी उतनी जल्दी आता है, हमारे चेक करते करते इट स्टार्ट रीचिंग 39 डिग्री एंड ऑन। आपको बैटरी बैकअप बढ़िया मिलेगा, लेकिन इस बैटरी को चार्ज करने में आपको लगभग लगने वाले हैं 2 घंटे, क्योंकि 4500 mAh की बैटरी है। पर अच्छी चीज़ यह है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट का चार्जर दिया गया है। आइए चेक करते हैं रैम मैनेजमेंट। हमने कुछ ऐप्स ऑलरेडी ओपन की हैं, चलिए एक एक करके उन्हें ओपन करते हैं और देखते हैं कि रैम मैनेजमेंट कैसी है। कुल मिला के हमने 10 ऐप्स ओपन कर रखी हैं और आप देखेंगे कि रैम मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं निकली जो मैंने सोचा था, क्योंकि कुछ ऐप्स रीलोड हुई। कंसिडरिंग ये 6 GB रैम वाला मॉडल है, एटलीस्ट 10 ऐप्स तो मेमोरी में रहनी चाहिए थी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐप्स रीलोड हो गई। सो आई थिंक यहाँ पे Xiaomi को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिहाज से आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जो कि रियर माउंटेड है, क्योंकि इसमें LCD पैनल है। ये बहुत क्विक है, एक्यूरेट है। आपको फेस अनलॉक भी मिलता है AI बेस्ड, जो बेहद क्विक है, और ऑल्सो ये फेल नहीं किया। हाउएवर ये बायोमेट्रिक बेस्ड नहीं है, तो ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखेगा। विद योर आइज क्लोज्ड इट विल नॉट वर्क। चलिए टेस्ट करते हैं स्पीकर्स Redmi Note 8 Pro और Realme XT के, और डालते हैं इसमें इन दोनों की जंग का तड़का। दोनों में हम एक ही टोन को प्ले करेंगे और देखते हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम किसकी है, डिस्टॉर्शन कैसी है, एटसेट्रा। If you ask me, साउंड दोनों की अच्छी है, फुल वॉल्यूम पर डिस्टॉर्शन नहीं है। However, मुझे Realme XT की साउंड थोड़ी कंप्रेस लगी। For my liking, I like the Redmi Note 8 Pro. आइए कैमरा इंटरफेस को समझ लेते हैं। बॉटम में आपको सभी ऑप्शन मिलेंगी। सबसे पहली ऑप्शन आपको दी जाएगी वो है स्लो मोशन वीडियो की, जो आप 960 FPS तक बना सकते हैं। उसके बाद आपको मिलती है शॉर्ट वीडियो की ऑप्शन, जिसमें आप फनी वीडियोज या इंस्टा के लिए कुछ इस प्रकार की वीडियो बना पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगी वीडियो में, जिसमें आप मैक्रो या 1080p या 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है फोटो का ऑप्शन, जो कि एक नॉर्मल पिक्चर रहेगी, फॉलोड बाय 64 MP, पोर्ट्रेट, नाइट, पैनोरामा एंड प्रो, जिसमें आपको ISO और वाइट बैलेंस के लिए थोड़ी ऑप्शंस दी जाती हैं, पर ये बहुत एडवांस लेवल की नहीं है। आइए इसमें भी लगाते हैं हम Realme XT का तड़का। दोनों फोन से हम पहले एक नॉर्मल शॉट लेंगे, उसके बाद हम दो शॉट्स लेंगे 64 मेगापिक्सल ईच। देखते हैं कि क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, कलर रिप्रोडक्शन एंड साइज एज वेल। ये नॉर्मल शॉट है जो हमने दोनों फोन से लिया है। Realme XT पे पिक्चर साइज आया है 4.1 MB, Redmi Note 8 Pro पे साइज आया है 5.66 MB। Redmi Note 8 की पिक्चर ज़्यादा क्रिस्प दिखेगी आपको, और Realme XT की पिक्चर सॉफ्टर साइड पे है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें कि Redmi Note 8 Pro पे डिटेलिंग बहुत बढ़िया आई है एज कम्पेयर टू Realme XT। जो ब्लैक है वो डेफिनेटली बढ़िया से हाईलाइट हुआ है। ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवर सैचुरेटेड है इन कंपेरिजन टू द एक्चुअल गाउंटलेट पीस जो पड़ा है सामने या कीरिंग, बट डेफिनेटली ये Realme XT से काफ़ी बढ़िया है। आइए चलते हैं अब हम 64 MP सैंपल की तरफ, चेक करते हैं साइज और कंपेयर करते हैं फोटो को।
64 MP में Realme XT से जो पिक्चर आई है वो है 10.3 MP की, और Redmi Note 8 Pro से जो पिक्चर आई है वो है 15.11 MP की। सो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, Redmi Note 8 Pro में हाइलाइट्स बेटर हैं, Realme XT में एक हल्का सा वार्म टोन है, इनफैक्ट इट डजंट लुक एज ब्लैक जो Redmi Note 8 Pro में, जो कि एक्चुअल चीज़ है। इनफैक्ट आप पर्पल स्टोन के ऊपर का हिस्सा देखें तो Redmi Note 8 Pro में बेटर है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से भी जो येलो स्टोन है सबसे बड़ा वाला उसे अगर देखेंगे, स्टोन के बाद भी डिटेलिंग Redmi Note 8 Pro में नज़र आ रही है जैसे कि अब, लेकिन Realme XT में वो नहीं आ रही। आप बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट सेल्फी में फॉर अ चेंज Redmi Note 8 Pro ने मुझे इस बार इम्प्रेस किया है एज कम्पेयर टू Redmi K20 Pro जिसमें पिक्चर्स एकदम रेड आती हैं कई बारी। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी बहुत अच्छी आई है, जो टी शर्ट के पोर्स हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं, खासकर जो कॉलर एरिया है वो Realme XT में बेहद सॉफ्ट हो गया है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं जूम इन कर रहा हूँ। आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपको किसका फ्रंट कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा, Redmi Note 8 Pro का या Realme XT का? लेट्स चेक सम कैमरा सैंपल्स, और हमने इसके बाद एक मैक्रो शॉट भी लिया है। Redmi Note 8 Pro में भी आप मैक्रो कैमरा का ऑप्शन पाते हैं जिसके कारण आप कुछ इस तरीके से शॉट्स ले सकते हैं। ये एक फ्रिज स्टिकी है या फ्रिज मैग्नेट है जिसका हमने शॉट लिया है, और आप देख सकते हैं ये वही की रिंग है। अब इसका शॉट देखिएगा जो कि मैक्रो कैमरा से लिया है, बहुत ही बढ़िया आ जाता है फ्रेंड्स। ये कुछ लो लाइट पिक्चर्स हैं जो हमने Realme XT के अगेंस्ट लिए हैं। ये पहली पिक्चर नॉर्मल मोड में Redmi Note 8 Pro से, और ये Realme XT से। Realme XT की पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब जो पिक्चर है Redmi Note 8 Pro के नाइट मोड से, और अब देखिए Realme XT का नाइट मोड, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। पिक्चर्स Realme XT की ज़्यादा बढ़िया हैं। ये एक और शॉट है, इसमें आप स्काई देखिए कितना ग्रेनी आया है नॉर्मल मोड में, और ये पिक्चर है Realme XT की, आप देख सकते हैं कि पिक्चर फार बेटर है, स्काई फार स्मूथ है। अगेन ये नाइट मोड के बाद भी पिक्चर बहुत ग्रेनी है Redmi Note 8 Pro में, और ये पिक्चर है Realme XT में नाइट मोड के बाद। कुछ ऐसा ही हाल मुझे फ्रंट कैमरा का लगा जो कि एक्सपोजर नहीं हैंडल कर पाया। ये पिक्चर नॉर्मल मोड में है और ये HDR में, और आप देख सकते हैं पिक्चर कितनी ग्रेनी है। ये एक शॉट है जिसमें आप लाइट को फेस कर रहे हैं और क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है। ये वीडियो सैम्पल फ्रंट कैमरा से है, आप देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी है सो फार, क्योंकि आप लाइट को फेस कर रहे हैं, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छी है, लेकिन सिचुएशन चेंज होते ही आप देखिएगा कि क्वालिटी कैसी है। चलिए देखते हैं कुछ रियर कैमरा से वीडियो सैम्पल। आप इसमें 4K 60 FPS तक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको 1080p में ही EIS मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, हमने इसमें कोई माइक यूज़ नहीं किया। वाइड एंगल लेंस से भी वीडियो बन सकती है। आइए वाइड एंगल का पर्सपेक्टिव चेक करते हैं, ये नॉर्मल मोड से है। अगली पिक्चर हमारी वाइड एंगल से है, और आप क्वालिटी देखिए किस तरह से डिप होती है, खासकर आप लेफ्ट साइड से देखिए, बिल्कुल भी पिक्चर अच्छी नहीं लग रही। आपका क्या फीडबैक है बताइएगा। और ये है 2x डिजिटल जूम। सो फ्रेंड्स, आइए कंक्लूड करते हैं। जहाँ तक इस डिवाइस का सवाल है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छी है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, आपको ट्रिपल स्लॉट भी मिल जाता है, बैटरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, थर्मल मैनेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन चीज़ें जिन्होंने मुझे इंप्रेस नहीं किया, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सबसे पहले रैम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि रैम में कुछ ही ऐप्स थी लेकिन सभी ओपन नहीं हो पाई, कुछ रीलोड हुई, जबकि Realme XT में हम एक वीडियो बना रहे हैं उसमें सभी ऐप्स ओपन हुई हैं। सेकेंडली, लो लाइट परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क, बहुत पुअर है, आई एम सॉरी टू से दैट। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, पिक्चर्स बहुत ग्रेनी आती है। इनफैक्ट इवनिंग शॉट्स जो मैंने वाइड एंगल से लिए, दे केम लिटरली वेरी पुअर, आप वो भी देख चुके हैं वीडियो में। उसके अलावा जो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये कि कैमरा बम, आई मीन इज डेफिनेटली
वुड बी अ पेन इन योर एस, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा कवर नहीं हुआ तो आपका कैमरा टूट सकता है। इसमें स्क्रैचेस तो डेफिनेटली पड़ेंगे पड़ेंगे, और जो कवर साथ दिया है उसमें, जैसे कि अगर अभी आपने XT का कवर देखा हो, उस पर एक बाउंड्री सी बनी है, एक बम सा बना हुआ है, वो आपको Xiaomi के कवर पे नहीं मिलता। सो ये एक अनदर पॉइंट है। एक और चीज़ जो हाईलाइट करना चाहूँगा, ये MediaTek का प्रोसेसर है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कैमरा टू API एनेबल तो दिखाता है, लेकिन आपको GCam का मॉड्यूल इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। एक सीनियर यूट्यूबर की वीडियो में मैंने देखा, उन्होंने सिर्फ स्नैपशॉट दिखा के कुछ बताया नहीं, सिर्फ दिखा दिया कि API एनेबल्ड है। ये सच अभी आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस पे कैमरा टू API एनेबल होने के बावजूद भी GCam सही से नहीं चलेगा। अगर आपको यकीन नहीं, आप चेक कर सकते हैं Note 9 जो Exynos के साथ है, बिकॉज मेरे पास था, उसमें मुझे कभी भी GCam मॉड्यूल अच्छा नहीं मिला, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते थे, या तो ऐप क्रैश होती थी। इट्स मोर सक्सेसफुल ऑन Snapdragons ओनली। जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस है, मैंने बताया कि थर्मल मैनेजमेंट अच्छी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं देखा। हमने वीडियो में जैसे देखा कि हमने रियल रेसिंग 3 जब इस पे और इस पे ओपन करी तो इस पे पहले ओपन होगी। सो वंस अगेन इट प्रूव्स के एंड्रॉइड स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। 64 मेगापिक्सल से ली हुई पिक्चर्स लगभग 3 गुना साइज की रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल मोड से पिक्चर आई 5 MB की, तो आपको 15 MB तक की मिलेगी 64 मेगापिक्सल की। जो फर्क रहेगा वो आपको सिर्फ पिक्सल पीप करने पे ही दिखेगा, इसलिए वंस अगेन आप मेगापिक्सल की दौड़ में मत भागेगा, चाहे वो 48 हो चाहे वो 64। उसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमने हाल ही में Vivo Z1X की वीडियो बनाई जो लगभग 45 मिनट की है। सो फार मुझे उसका कैमरा इन दोनों से अच्छा लगा। इसका नाइट मोड एज इन Redmi Note 8 Pro से अच्छा है, लेकिन ये कलर को बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट कर देता है यूजिंग दी नाइट मोड। वेर इन कई जगह मैंने देखा, खासकर Realme X में, इसमें अभी इतनी नहीं है वो चीज़ कि आपको वाइट बैलेंस में भी इशू दिखता है। वेर इन Vivo Z1X इज़ फार बेटर। हम इन तीनों का भी एक रिव्यू लेके आएंगे, जिसमें हम Vivo Z1X वर्सेज Realme XT वर्सेज Redmi Note 8 Pro भी करेंगे। प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड अपने फैमिलीज या रिलेटिव्स के साथ। आपका फीडबैक क्वेरी हो उसे जरूर पूछेगा। टेक केयर, जय हिंद। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर लव ऑफ गैजेट्स।